कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्या बेन केशा, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव निवासी यूएसए एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। विपुलाचल की उस पहाड़ी पर भगवान महावीर से प्रश्न किया राजा सैनिक ने की भगवान, उन्होंने ये नहीं पूछा कि क्या होगा और कैसे नहीं होगा, मेरा क्या होगा। उन्होंने कहा भगवान निवेदन है, मैं ऋषभ देव तीर्थंकर की कथा का श्रवण करना चाहता हूँ, वो भी आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूँ। पढ़ तो आप भी सकते हैं, आदि पुराण हजारों हजारों बार पढ़ा होगा, लेकिन हम महापुरुषों के मुख से महापुरुषों की कथा सुनना चाहते हैं। निवेदन किया महाराज श्रेणिक ने। मालूम है कौन महाराज श्रेणिक, कैसा जीवन उनका, कैसी निर्मलता उनकी। राजा श्रेणिक निवेदन के साथ साथ एक निवेदन और करते हैं, जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है कि महाराजा श्रेणिक ने प्रश्न किया कि हे भगवान ऋषभदेव का चरित्र बताओ। लेकिन ऋषभदेव का चरित्र बताने से पहले मेरी आत्मा को शुद्ध करिए भगवान। कैसी व्यवस्था है शास्त्र की, कथा सुनने से पहले आत्मा शुद्ध होना चाहिए। पूछा गौतम ने आत्मा को शुद्ध, महाराज श्रेणिक बोले मेरे अपराध क्षमा हो भगवान, अपराध क्षमा हो, अपने आप को अपराधी मान रहे हैं महाराज श्रेणी, मैंने नरक आयु का बंद किया है महाराज, मुझे नरक गति की प्राप्ति होगी। सारी सभा स्तब्ध रह गई। महापुरुष वो होते हैं जो दूसरों का दोष नहीं अपने दोष देखा करते हैं, और हमारी जिंदगी संसारी जीवों की जिंदगी दूसरों के दोषों में व्यतीत हो जाया करती है। वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। महाराज श्रेणिक महावीर के सामने कहते हैं कि भगवान मेरे दोषों से मुझे मुक्त करो, ऋषभदेव का चरित्र सुनाओ जिससे मेरा जीवन पापों से मुक्त हो सके। अंत समय यही तो कहा जाता है ना, जब हमारे जीवन का अंत समय हो हमें कोई महापुरुषों का चरित्र सुना रहा होगा। भी कथाओं में समय मत गुजारो, गप लगाने में समय मत गुजारो, यहां वहां की बातों में समय मत गुजारो। महाराज श्रेणिक ने कहा मुझे पापों से मुक्त करो, ये दोष मेरा है, मैंने नरक आयु का बंद किया, ये दोष मेरा है, किसी और का नहीं है, मैंने क्यों अपनी सहधर्मिणी का कहना नहीं माना। पश्चाताप में है महाराज श्रेणिक, मैंने क्यों अपनी बुद्धि से कुबुद्धि से शिष्ट और अशिष्ट का परिचय नहीं किया, क्यों मैं साधु और असाधु का भेद नहीं कर पाया, क्यों भगवान। मैंने उन्हें साधु समझा जो साधु नहीं होते हैं, जो साधु होते हैं उन पर मैं दृष्टि नहीं डाल पाया। महाराज श्रेणिक 12 सभाओं में भगवान महावीर से कह रहे हैं हे प्रभु मैंने धर्म अधर्म को क्यों नहीं समझा। मान्यवर ये कथा राजा श्रेणी की या ऋषभ देव की नहीं, ये कथा आपके और हमारे जीवन की भी हो सकती है। इतना समय इतना काल गमाया, अब तक धर्म क्यों नहीं समझ पाया, सच और झूठ का भेद नहीं कर पाया, क्यों मैंने सत्य की परीक्षा लेना चाहिए, क्यों मैंने मिथ्या गुरुओं पर श्रद्धा नहीं किया अपने जीवन में, उसका फल मुझे नरक की प्राप्ति होने वाली है। सोचो ऋषभदेव वालों, हम तो भगवान की मूर्ति को पूजते हैं, मंदिर को पूजते हैं, जो साक्षात महावीर के साथ रहा, जो भगवान के मुख्य श्रोता बन करके बैठे, जिसने अपना सारा जीवन भगवान के समो शरण में व्यतीत कर दिया, उस श्रेणिक को भी नरक से महावीर भी नहीं बचा पाएगा। श्रेणिक तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। भगवान क्षमो अपराध,
कितनी भी क्षमा याचना करो, कितना भी पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरो, सैनिक यदि संसारी का अपमान किया होता तो तेरे पापों की सजा मुक्त हो गई होती, तूने संतों का अपमान किया है, मालूम है ना। सैनिक महाराज जैन धर्म के विपरीत श्रद्धान करने वाले, जैनत्व से दूर महाराज सैनिक, जहां पर जिन मुनि दिख जाए मुंह फेर लिया करते थे, जहां पर जिनालय दिख जाए सैनिक अपनी निगाहें टेढ़ी कर लिया करते थे, भौंहें चढ़ा लिया करते थे। इसे सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कि सैनिक महाराज का विवाह एक जिन शासन की राजकुमारी चेलना से उनका विवाह हो जाया करता। महाराज श्रेणी मालूम है, नरक आयु बंधी राजा श्रेणी को, 24 घंटे भगवान के साथ रहने वाला, 6-6 घड़ी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने वाला, वह श्रेणी भी अपने पापों से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ऋषभदेव का चरित्र सुनाने से पहले मुझे पापों से मुक्त करो परमात्मा, महावीर भगवान से निवेदन है श्रेणी का। मैं नारकी भी होने जा रहा हूं तो अपनी वजह से होने जा रहा हूं, तुम भी यहां पर बैठे हो ना, जो जिस स्थान पर बैठा है, जो जिस जगह पर बैठा हुआ है, उसमें कोई कारण नहीं, तुम स्वयं का। हम यहां बैठे इसमें मैं कारण हूं, ये यहां बैठे इसमें ये कारण है, ये यहां बैठे इसमें यही कारण है, तुम जहां बैठे उसमें तुम ही कारण हो, कोई दूसरा हमारा कर्ता और हर्ता नहीं है। महाराजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से सीख लिया था। मेरा विचार मेरा कर्म बन गया, मेरा कर्म मेरा भाग्य बन गया। सदविचार होता तो सत्कर्म बनता, सत्कर्म बनता तो सौभाग्य बनता। मैंने दुष्कर्म किए महाराज, मैंने मुनि का अपमान किया, 500 कुत्ते छोड़े मुनि महाराज के ऊपर। ध्यान रखना, यशोधर महाराज जंगल में है, महाराज सैनिक शिकार खेलने गए, जो राजा सारी प्रजा का रक्षा करे वो शिकार खेले, निरीह प्राणी को मारे उन पर प्रहार करे, ये जैन दर्शन कैसे हो सकता है। राजा का अर्थ तो होता है कि राजा प्रजापालक कहा जाता है, प्रजा का अर्थ केवल मनुष्य नहीं होते हैं, उसकी राज्य की सीमाओं में एक एक छोटे से छोटा प्राणी भी उस सम्राट की प्रजा हुआ करती है। ध्यान रखना, अपने प्रजा का वध करना ये कैसे राजा सैनिक को शोभा दे सकता है। जंगल में गए सैनिक महाराज, कथा प्रारंभ हो उससे पहले सैनिक का अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जंगल में जाते हैं सैनिक, देखे मुनि महाराज तपश्चरण कर रहे हैं, द्वेष पैदा हुआ, 500 कुत्ते छोड़ दिए महाराज पर। मालूम है एक दो कुत्ते नहीं, वैसे भी ऋषभदेव के शरीर जी में जिस गली से निकल जाओ 2-4 खड़े रहते हैं। आज भी मैं आ रहा था, 4-6 कुत्ते तैयारी खड़े थे, ध्यान रखना, बड़े आवाज कर रहे थे, गुर्रा रहे थे। मैंने भी कुछ नहीं कहा, डरना है तो कुत्तों से क्या डरना, डरो तो शेर से डरो, ध्यान रखना। लेकिन पीछे लगे, कुत्तों की कमी नहीं होती है, ध्यान रखिए। नहीं, मेरी बात का सही अर्थ लगाना, गलत नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुम हंस रहे हो उसमें लग रहा है कि तुम अर्थ कुछ और लगा रहे हो, और मैं अर्थ कुछ और बोल रहा हूं। ध्यान रखिए, कथा तो कथा होती है, लोग हर कथा का अपने अपने अनुसार अर्थ लगा लेते हैं। 500 कुत्ते छोड़ दिए यशोधर मुनिराज पर। मालूम है कुत्ते भी बड़े, हर कुत्ता कुत्ता नहीं होता, कभी कभी कुत्ते ऐसे होते हैं जो मनुष्य भी ज्यादा महान हुआ करते हैं। 500 कुत्ते जैसे ही छोड़े गए, महाराज सैनिक ने छोड़े, सारे जाकर मुनि को देखकर नतमस्तक हो जाया करते हैं, एक भी कुत्ते ने आक्रमण नहीं किया, नतमस्तक हो गए।
सैनिक को लगा कि सारे जानवर नतमस्तक हैं, मैं देखता हूं। स्वयं रथ से उतरते हैं सैनिक महाराज, हाथ में भाला लिए, धनुष बाण लिए सैनिक, आज इनका वध करके रहूंगा। जब मिथ्यात का उदय आता है ना, तो सम्यक के दर्शन नहीं हुआ करते। महाराज सैनिक ने धनुष उठाया, प्रहार करना चाहा, क्या देखते हैं कि वहीं पर एक सांप है। फण उठाए, सांप वहां फुसकार मार रहा है, इसीलिए तो दो दिन पहले यहां भी निकल गया। रथम का प्रसव कथा तो ओरिजिनल होगी, और ऐसा वैसा भी नहीं निकला। कोबरा, काला नाग फण फैलाए, उसकी आवाज वहां पुरस्कार था, वहां तक आवाज जा रही थी। देखा मुनि के पास, मुनि संग यही है, सांप यही निकला। कौन कहता है पंचम काल है, ये ऋषभ देव में चौथे काल के दर्शन यहां पर प्राप्त हो रहे। राजा सैनिक ने देखा कि सर्प है, ऐसा सर्प एक बार निगाह भर के देख ले तो आदमी जहर से मर जाए, उसके काटने की बात तो छोड़ो। उस सर्प का सैनिक ने वध किया, सैनिक ने उस सर्प का फण कुचला, उसे मृत्यु के घाट उतारा, और वह सर्प लेकर मुनि महाराज के गले में डाल दिया। ध्यान रखिए, आप सोचते होंगे कैसा मूर्ख था, डालना था तो जिंदा डालता, मरा काय को डाला उनके गले में सांप। लेकिन थोड़ा तो समझदार रहा होगा कि उठाने में यदि इसने ही मुझे डस लिया तो महाराज का तो नंबर ही नहीं आएगा, मैं ही चला जाऊंगा। इसलिए उन्होंने पहले उस सर्प की हत्या की, हत्या करके मरा हुआ सांप यशोधर मुनि के गले में महाराज सैनिक डाल देते हैं। लौट आए, अट्टहास करते हुए आकर राजकार में व्यस्त हो गए। 3 दिन बाद रानी चेलना से उन्होंने सब वृतांत सुनाया। वृतांत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समझ गए क्या, टाइम हो रहा है। रानी चेलना को बताया कि मैंने तेरे एक मुनि के गले में मरा हुआ सांप डाल। चेलना ने कहा, क्या किया महाराज, कैसा अपराध, एक दिगंबर संत के गले में सर्प डाल दिया। महाराज सैनिक बताओ, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, उन्होंने कौन से अपशब्द तुम्हें बोले थे, कौन सा तुम्हारा अपमान किया था, मुनि ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सांप को ध्यान रखना, किसी भी शहर में मुनि पधारे, जैन संत किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं करता है। और एक बात गांठ बांध लेना, जैन संत कभी किसी को अभिशाप नहीं दिया करता है, और यदि अभिशाप दे दे तो ऋषभ देव वालों डरना मत, ये पुलक सागर तुमसे कह रहा है। यदि कोई जैन संत एक तो अभिशाप देता नहीं है, और दे दे तो अभिशाप वरदान बन करके हमारे जीवन में लौट आया करता है। उनका अभिशाप अभिशाप नहीं होता है, उनका अभिशाप वरदान बन जाता है, डरने का नहीं है। चेलना ने पूछा, महाराज संत ने क्या बिगाड़ा था आपका। सैनिक के पास उत्तर नहीं, बोले मैं ढोंगियों को संत नहीं मानता हूं, पाखंडियों को संत नहीं मानता हूं। चेलना ने कान में हाथ रख के, मेरे गुरुओं के बारे में ऐसा मत कहो। महल से उतरी चेलना, चली जंगल की ओर, सैनिक पीछे पीछे भागे। कहां जा रही हो, गुरु के उपसर्ग का निवारण करने के लिए। आगे आगे चेलना, पीछे पीछे सैनिक। रथ बुलवाया, चेलना को बिठवाया। चेलना ने भी सोचा, कहां होंगे मुनिराज, कौन सा वन है, कौन सा जंगल है। सैनिक के साथ बैठती है चेलना, जैसे ही पहुंचती है, 3 दिन 4 दिन पहले जैसे मुनि महाराज थे, वैसे ही मुनिराज दिगंबर मुद्रा में वीतरागता लिए बैठे हुए हैं। चेलना की आंखों में अश्रु की धारा, इतनी चींटियों ने उन्हें काट लिया, पूरा बदन सूज गया, फिर भी आत्मस्थ बैठे मुनि महाराज।
विचार करना है। चेला को युक्ति सूझी, उसने शक्कर ली, गुड़ लिया, एक तरफ रख दिया, सारी चींटियां उतर उतर के गुड़ की तरफ चली गई। मुनिराज का उपसर्ग निवारण किया। श्रेणिक देख रहे हैं दृश्य कि मैंने तो सोचा था कि सांप फेंक कर वह साधु भाग गया होगा, तीन दिन में राजकाज में बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। ये धन धन धीरज धारी ये मुनि महाराज आज भी यहीं पर बैठे हैं। हृदय परिवर्तन हुआ महाराज श्रेणिक का, क्षमा प्रभु क्षमा, चरणों में नत हुआ राजा श्रेणिक। मुनि महाराज ने देखा, चेलना को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। श्रेणिक नतमस्तक नयन झुकाए पश्चाताप में बैठे। मुनि महाराज ने कहा कि संकोच मत करो, मन छोटा मत करो, हम दिगंबर संत हैं, हम वो संत हैं जो अपने जीवन में कभी भी हम ठुकराते हैं फूल नहीं, हम ठुकराते हैं शूल नहीं, हम अपनाते हैं फूल नहीं, हम निंदक के प्रतिकूल नहीं, हम पूजक के अनुकूल नहीं। ऐसी वितराग दशा हमारी। सैनिक को कहा कि धर्म वृद्धि भव, तुम्हारा कल्याण हो, महाराज मुझे दंड दो, हम दंड नहीं देते किसी को। महाराज मुझे सजा दो, हम सजा नहीं देते किसी को। महाराज हमारे अपाप जो किया है उसका हमें दुष्परिणाम दिखाओ, हम किसी को दुष्परिणाम नहीं दिखाया करते हैं। तो क्या करोगे संत जी आप हमारे साथ, हमने आप पर इतना उपसर्ग किया, आपको इतनी वेदना दी, महाराज मुझे मृत्यु दंड प्रदान किया जाए। हम जैन संत दिगंबर संत किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया करते हैं, क्या दोगे महाराज मुझे, कुछ तो करो, मेरी आत्मा को आत्मग्लानी से भर रही है, मैंने आप जैसे संत पर उपसर्ग किया, सच्चे गुरु पर संदेह किया। मालूम है यशोधर मुनिराज कहते हैं कि जाओ महाराज श्रेणिक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाली 24वीं में प्रथम तीर्थंकर बनकर के तुम धरती पर जन्म लेना, ध्यान रखना, तुम ही बनोगे महापद्म, ध्यान रखिए तुम ही बनोगे प्रथम तीर्थंकर। श्रेणिक ने सुना, कष्ट देने वाले को तीर्थंकर बनने का आशीर्वाद, पीड़ा देने वाले को भगवान बनने का आशीर्वाद, जो सतारा है उसके कल्याण का आशीर्वाद, ऐसा यदि कोई धरती पर है, एक दुनिया में ऋषभ देव वालों अपना जैन धर्म इस धरती पर है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्या बेन की शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्षव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।